राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भोपार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भोपार हो जाए। नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है, और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने, और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भूल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। वीर हनुमान, जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना फाड़ दिखलाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में घी लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम को पाए। अवध में जन्म लिए श्री राम, जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया, और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी।